we have seen that the book value of a company and the market value of a company tell us two different stories about the same company so it is therefore important to compare the two so that we can have a so that we can have a comprehensive or a big picture in order to come up with the right or better decision making when we are intending to invest uh, in that company so Uh, when we compare the market and the book value, uh, what people people do is they consider both values in order to make better decisions. So अभी हम तीन सिनारियोस को डिस्कस करने वाले हैं. These can be the three possibilities. जब आप book value को market value के साथ कंपेयर करेंगे, सिनारियो 1 हो सकता है, जिसमें हम अस्यूम कर रहे हैं कि जो book value है, वो ग्रेटर है मार्केट वैल्यू से. इसका मतलब क्या है कि जो अकाउंट्स शो कर रहे हैं किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन वो स्ट्रॉगर है एज़ कंपेयर टू जो मार्केट उसकी परफॉर्मेंस को देख रही है या उसकी ग्रोथ को फोर्सी कर रही है तो जब मार्केट में इन्वेस्टर है वो देख रहा है कि इस पर्टिकुलर कंपनी को फ्यूचर में ग्रो नहीं कर रही है या बहुत अच्छा वाला फाइनेंशियल परफॉर्म नहीं कर रही तो ऐसा करने से उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाएगी यानी कि स्टॉक मार्केट के टर्म्स में उसके जो शेयर के प्राइस हैं वो कम हो रहे हैं कम होते जा रहे हैं या डिमांड के कम हो जाने की वजह से लेकिन जो फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसको अगर हम देखते हैं तो वहाँ उसकी वैल्यू ज़्यादा देखने को मिलती है तो ऐसा सिचुएशन अगर है किसी भी कंपनी के लिए तो इट मींस दैट जो इन्वेस्टर है उसने उस कंपनी में अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया और वो समझ रहा है कि इस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि वो गलत हो हो सकता है कि वो सही हो वी डोंट नो इट इट विल बी मटेरियलाइज्ड ओवर टाइम लेकिन देर मे बी दे आर फोर्सिंग हो सकता है कि बिज़नेस के साथ में कोई प्रॉब्लम चल रही है या वो कोई अहम uh, अपना कोई जो कोई अहम केस हार गए हैं उसकी वजह से इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा सा पीछे हट गया है या ये भी हो सकता है कि कोई जैसे मैंने बोला कि फ़ाइनेंशियल मार्केट में जब हम इन्वेस्टर की बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ जिनको हम फाइनेंशियल इनॉमली बोलते हैं तो हो सकता है कि कोई हर्ड बिहेवियर की वजह से या कोई और सेंटिमेंट uh, के चेंज हो जाने की वजह से जो इन्वेस्टर है वो पीछे हट गया है और जैसे ही इन्वेस्टर किसी भी शेयर की डिमांड कम करना शुरू कर देगा उसकी प्राइस नीचे गिर जाएगी वो बेशक उसका जो बुक वैल्यू है वो अभी स्ट्रॉन्ग ही है तो ऐसे के सिचुएशन में जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं जो के समझते हैं कि कंपनी की फ़ाइनेंशियल पोजिशन अच्छी है जो कि बुक वैल्यू से रिप्रजेंट हो रही है और मार्केट में अभी उसकी कीमत किसी भी वजह से उसके शेयर्स की कीमत कम है तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि चूंके बुक वैल्यू ओवरऑल अच्छे सूरत हाल को का, का बता रही है तो ये फ्यूचर में जो मार्केट का जो इस वक्त परफॉर्मेंस है ये बेटर होने वाला है बिकॉज ऑफ हैविंग अ स्ट्रॉग फाइनेंशियल पोजिशन इन अकॉर्डिंग टू द बुक वैल्यू ऑफ़ दैट कंपनी तो वो समझते हैं कि इस इस तरह की कंपनीज के शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए तो देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स जिनको हम वैल्यू इन्वेस्टर्स बोलते हैं वो इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट uh, करना इम्पॉर्टेंट uh, समझते हैं बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट के ज़रूरी नहीं है कि चूँकि अगर वो ऐसे समझ रहे हैं तो सच में ऐसा ही होगा इट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि जो मार्केट प्राइसेस हैं वो नीचे जा रहे हैं तो दे कंटिन्यू टू फॉल एंड uh, हो सकता है इसकी इफ़ेक्ट आपके ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन पे भी आए या ये भी हो सकता है कि जो वैल्यू इन्वेस्टर कंसिडर कर रहे थे कि अभी किसी नॉर्मली की वजह से एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से शेयर की कीमत नीचे की हुई है लेकिन चूँकि फाइनेंशियली जो फर्म है इट इज़ डूइंग गुड तो फ्यूचर में ये अच्छा होने जा रहा है तो लिहाजा इट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि वो अच्छा ही परफॉर्म करेगी समटाइम्स वी ऑब्ज़र्व कॉन्ट्रडू दिस के देर कैन बी अ सेकेंड टाइप ऑफ सिचुएशन जिसको हम सिनारीो टू बोल रहे हैं एक्सप्लें uh, करने के लिए कॉन्सेप्ट को कि जो आपका फर्म uh, का जो मार्केट वैल्यू है वो बेहतर है एज़ कंपेयर टू उसके बुक वैल्यू से तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस तरह की कोई कमी मिल जाए जिसकी ओवरऑल मार्केट स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंगली उसकी परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल रही है मगर जब आप उसके फाइनेंशियल uh, जो उसके अकाउंट्स हैं उनको देखते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो वहाँ आपको एक डिसमल पिक्चर देखने को मिलता है ऐसा भी हो सकता है ऐसे सूरत हाल कब होती है जब फाइनेंशियल इन्वेस्टर जो है जो इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट में बैठा हुआ वो समझ रहा है कि कोई भी कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है या ग्रो करने वाली है और इसके एक्सपैंड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं तो ऐसे के केस में वो उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना प्रफ़र करता है एडवाइस करता है और ऐसा करने से जो मार्केट वैल्यू है वो ऊपर चला जाता है बेशक उसकी जो बुक वैल्यू थी वो इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं छोकार तो दिस पर्टिकुलर सिचुएशन

तो कॉन्फ्रेट टू द प्रीवियस सिनारीो वहाँ हमने कहा था जो वैल्यू का वैल्यू इन्वेस्टर है वो आपको उस इस किस्म की कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करता दिखाई देता है जहाँ जो बुक वैल्यू है वो ज़्यादा है और जो मार्केट वैल्यू है वो कम है लेकिन यहाँ इस केस में सनारीो टू में हम देखते हैं कि जो ग्रोथ इन्वेस्टर्स हैं वो uh, अपना पैसा डालना पसंद करते हैं इस किस्म की स्टॉक्स uh, में या इस किस्म की कंपनीज के शेयर्स को बाय करने के लिए प्रेफर करते हैं जहां मार्केट प्राइस हाई हो और बेशक उसका जो बुक वैल्यू है uh, वो लो है कंपैरेटिवली एज़ कंपेयर टू द मार्केट वैल्यू देन वी हैव गॉट अ थर्ड सिनेरियो जिसमें देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपने बुक वैल्यू देखा किसी भी कंपनी का और आपने उसको कंपेयर किया उसके मार्केट वैल्यू से और वो दोनों ऑलमोस्ट बराबर आपको देखने को मिल रहे हैं इसका मतलब है कि जो मार्केट है स्टॉक uh, मार्केट में जो इन्वेस्टर है वो कोई uh, कि उसके पास कोई बहुत स्ट्रॉग रीज़न नहीं है uh, इस चीज़ को जो कि उसको इस चीज़ पे कंपेयर करे या फोर्स करे कि इस पर्टिकुलर uh, जो कंपनी है उसकी सूरत हाल जो अभी है उससे बहुत बेहतर होने वाली है या उसके सूरत हाल बहुत गिरने वाली है तो ओवरऑल देर इज़ अ द टू वैल्यूज़ स्टैंड एट पावर और ना तो बहुत बेहतरी के uh, हालात देखने को मिल रहे हैं ना बहुत बुरे हालात होने को मिल रहे हैं लिहाजा इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन जो कंपनी की बुक और मार्केट वैल्यू है वो आपको एट पार दिखाई देती है सो दिस कुड बी द थ्री पॉसिबिलिटीज़ वी ऑब्जर्व एंड दिस इज़ हाउ वी कैन एनालाइज द बिहेवियर ऑफ एन इन्वेस्टर हु कंसिडर्स बोथ द मार्केट वैल्यू एंड द बुक वैल्यू इन ऑर्डर टू मेक द डिसीशन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन अ सर्टन कंपनी